हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और हमेशा ऊपर वाले से कामना करती रहूंगी कि आप सब अच्छे ही रहोगे। तो चलिए, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बतलाती हूँ कि कोरोना वायरस में हम लोग को घर में ही सेफ रहना है और कहीं इधर उधर जाना नहीं है और लगातार हाथ धोते ही रहना है हर 10 मिनट में, जैसे कि हम आपको पहले भी बतला चुके हैं। आज भी मैं वही बतलाना चाहती हूँ कि हमें हमेशा हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइज करना है। अगर हमको जरूरी काम से बाहर जाना है तो हमें मास्क लगा के ही बाहर निकलना है। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब हम लोग चलिए अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हम लोग का मैथ, सब्जेक्ट है मैथ का। तो आइए चलिए अब हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए टेक आउट योर कॉपी। आइए बच्चों, चलिए हम लोग मैथ में अब रिटर्न वर्क करते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये मैथ की कॉपी है, तो जब भी मैं बोलूंगी मैथ की कॉपी निकालें, आप यही कॉपी निकालोगे। देखिए कॉपी पहले ध्यान से देख लीजिए, ये कैसी है, स्क्वायर है, स्क्वायर बना हुआ है इस कॉपी में, इसे हम लोग मैथ की कॉपी कहते हैं। चलिए अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं लेसन 1, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन अभी हम लोग को बनाना है। स्टैंडिंग लाइन मीन्स सीधी रेखा, जैसे कि हम पहले भी आप लोग को हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में बतला चुकी हूँ, तो मैथ में भी हम लोग को यही करना है। देखिए बच्चों, ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन। अब हमें इसको स्क्वायर में बनाना है, इस जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहीं बनाना। देखिए ऐसे टू स्क्वायर छोड़ के फिर हमें बनाते ही जाना है, डिस्टेंस रखना है। देखिए फिर यहाँ हम लोग डॉट बनाएंगे, पर एक लाइन बना दिए हैं स्टैंडिंग लाइन की, आप उसको देख कैसे डॉट बनाइएगा। चलिए मेरे साथ साथ, मुझे उम्मीद है कि आप भी बना रहे होंगे। देखिए किस तरह बनाना है, इस तरह डॉट बना लेना है पूरी एक पेज में। देखिए अब हम लोगों की डॉट्स कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम लोग को लाइन खींचनी है, वो भी स्टैंडिंग लाइन। देखिए फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट में मिलाना है, बस ऐसे। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को हाथ पकड़ के इस तरह का लाइन बनाते रहे। ठीक है, ये हो गई हम लोग की, तैयार हो गई स्टैंडिंग लाइन। इससे पहले भी मैं बतला चुकी हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे। तो ये होगी हम लोग की क्लास वर्क, और जिस तरह मैं इंग्लिश हिंदी में बतलाई हूँ उसी तरह आज भी आप लोगों को मैं इसमें होमवर्क देती हूँ, 2 पेज की होमवर्क। देखिए एक पेज, तो ये है सेकेंड पेज, आप 2 पेज एवरीडे होमवर्क तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं ओरल के। ओरल होने के पहले हम एक एक्टिविटी बुक, शायद आप लोग के पास होगी। देखिए ये है हमारी एक्टिविटी बुक, माय फर्स्ट नंबर बुक। तो आइए, यहाँ बना हुआ है स्टैंडिंग लाइन, आप यहाँ से खींचिएगा। इसमें भी आपका होमवर्क होना है, ये आपकी होमवर्क है, आप इसमें पूरा कंप्लीट करके रखिएगा इसमें भी। ठीक है, अब चलिए अब ओरल की ओर। थैंक यू बच्चों, आइए ओरल करते हैं। हाँ आइए बच्चों, अब हम लोग मैथ ओरल करते हैं। चलिए मैथ ओरल आज हम लोग 1 से 20 तक का ही करेंगे ना, आप फर्स्ट डे है हम लोग का, तो अभी हम लोग 1 से 20 तक ही ओरल करेंगे। आइए बच्चों, चलिए इधर देखिएगा, फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11,
1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। ठीक है बच्चों, आज की ओरल यही है हम लोग को, इसे बार बार हमें रिपीट करना है। आप सब मिलके इसे रिपीट करते रहिएगा अपने अपने घर में बैठ के, आज का काम में ही है। ठीक है, आज का चैप्टर हम लोग की समाप्त होती है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग, अब चैप्टर समाप्त होती है, तब आप लोग अपने अपने घर में ही पढ़िए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, थैंक यू।